दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं नूर। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार गाइस, आज की वीडियो हमारी बहुत ही अच्छी और जबरदस्त ही वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग शेयर करने लगेंगे बेस्ट मस्कारास अवेलेबल इन पाकिस्तान। एज यू कैन सी माय सन टैन, बहुत ज्यादा सन टैन हुआ है। खैर इसको इग्नोर मारें, लेकिन हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोग पूछेंगे कि आपने कौन सा लिपस्टिक का शेड यूज किया, तो आपको बता देती हूँ। मेरे पास है हुदा ब्यूटी का, मैंने लिया था। मैं मतलब मार्केट गई थी दूसरा मेकअप का सामान लेने, लेकिन मैं आते जाते जो लिपस्टिक्स ले आती हूँ, आजकल पता नहीं मुझे क्या मसाला हुआ है। और आजकल मैं बहुत ज्यादा ना पिंक कलर के जो शेड्स है ना उनको वेयर करती हूँ। तो या इसका शेड है नंबर 204। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको बताइए, आप डिफरेंट मेकअप के प्रोडक्ट्स को यूज करते हो और वही ज्यादातर यूज करना पसंद करते हो जो मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हो, आपको मिल भी जाए आप जब भी जाओ। तो या आज हमारी वीडियो मस्कारा पे होने वाली है। मैंने कोई भी मस्कारा अपनी आईज के ऊपर नहीं लगाया हुआ, ताकि जब मैं कोई मस्कारा लगाऊं या आपको दिखाऊं तो आपको पता चले कि यार वाकई इस मस्कारे का रिजल्ट है, सिर्फ बातें नहीं है। ठीक है, ये है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ एसेंस वाला का मस्कारा। ठीक है, पैन ऑफ कर देती हूँ। तो ये मस्कारा एकदम बकवास मस्कारा, लाइक जब मैंने उसको निकाला ना और उसे मुझे जबरदस्ती दिया था तकरीबन, आप मस्कारा समझ लें, इतना सूखा, इतना ड्रायर और इतना अजीब से मस्कारा था ना, और लगा के लग ही नहीं रहा था कि आपने कोई मस्कारा लगाया। तो प्लीज ये मत लीजिएगा, ये भी 300 समथिंग का है, बकवास है, मुझे तो बकवास लगा है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। हाँ, उसके बाद हम आ जाते हैं हैंग फेंग कंपनी, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। लाइक ये है 150 का या समथिंग इतने का है। ठीक है, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसको भी मैं यूज करती रही, ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, ये आप ले सकते हो, रिकमेंडेड है, आप ले सकते हो। उसके बाद है ग्लैमरस वालों का फेस, ग्लैमरस फेस वालों का मस्कारा। अब इसकी एक चीज मुझे ना बहुत अजीब लगी, आप लोगों को भी लगेगी, लाइक इसका जब आप लगाते हो तो बहुत ही आला किस्म का डबल वॉल्यूम आता है आपकी आई लैशेज के अंदर, बहुत आला लगता है आपके ना, ऐसे जैसे आपने कोई आई लैशेज लगाई, इतना जो है इसका मस्कारे का रिजल्ट अच्छा है। लेकिन इसकी एक चीज मुझे जो है बहुत अजीब लगती है, और वो ये है कि जब आप इसको लगा लेते हो ना, उसके बाद अगर आप हल्का सा पानी लग गया या आप रोए कुछ भी होना, तो आपकी आई लैशेज जो है ना एक साथ जुड़ जाएंगी, और जहां वो जुड़ जाएंगे ना वो वहीं रहेंगे, चाहे आप दोबारा मस्कारा लगाओ वो स्टक हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो मुझे ये चीज इसकी अच्छी नहीं लगी, बाकी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप लोगों की मर्जी, आप लेना चाहते हो ले लो, लेकिन इसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगा है। एक चीज जो उसकी बुरी लगी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। उसके बाद मैंने यूज किया है मिस रोज वाला का नया मस्कारा, मैं लेकर आई थी, ये भी मुझे अच्छा लगा है मस्कारा, और ये 300 समथिंग का है। ठीक है, ये मुझे तकरीबन बिल्कुल मैं नया लाई थी, एक दो दफा मैं, तीन चार दफा मैंने इसको लगाया, ईद पे भी मैंने इसको लगाया था। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा है, सूखा नहीं है बाकियों की तरह। तो यार ये भी आप लोग ले सकते हो, ये भी अच्छा मस्कारा है। उसके बाद है मेरे पास हैंग फेंग कंपनी का डबल मस्कारा प्लस लाइनर। इसका मस्कारा बहुत कमाल का है, लिटरली बहुत आला है, आप ये ले सकते हो, आपके जो आई लैशेज है उनको कमाल कर देगा। और ये अभी मैं आप लोगों को लगा के भी दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है। प्लस इसकी दूसरी साइड पे है लाइनर, और इसके जो लाइनर का जो है आप देख सकते हो, ये भी बहुत ब्रीक है और बहुत ही अच्छा कमाल का, जब आप लाइनर लगाते हो बहुत ही कमाल का लाइनर आपका लगता है, सूखा नहीं है, जल्दी सूखने वाला नहीं है, खराब होने वाला नहीं है। लाइक आई नो कि जो मस्काराज हैं वो जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप यूज करो तो कोई अच्छा वाला मस्कारा यूज करो ना। सो यह गाइस, आई एम बैक, और आप देख सकते हो बड़े अच्छे तरीके से इस तरफ हम रोशनी में आ जाते हैं। ये आईज को आप देख लो और इस वाली आईज को देख लो, लाइक बहुत ही आला लगता है ये मुझे मस्कारा। मैं दूसरी आंख पे भी आपको लगा के दिखाती हूँ, लाइक ऐसे लगता है आपने कोई फेक आई लैशेज लगाई होती, मुझे इतना बेस्ट लगता है ये मस्कारा। और हम इसको दूसरी आंख पे भी लगाते हैं, वापस आते हैं, ये जैसे आप लोगों को एक डिफरेंस दिखाने के लिए था कि क्या फर्क आता है एक मस्कारे से और एक विदाउट मस्कारा। ओके,
गाइस एज यू कैन सी ऐसा लगता है जैसे आपने पता नहीं क्या कर लिया है, आई लैशेज लगा लिए हैं. अब जैसे मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो मैं लाइनर नहीं लगाती, इस तरह से लाइट सी लिपस्टिक वेयर करती हूँ, लाइट सी फाउंडेशन लगाती हूँ, थोड़ी सी फाउंडेशन एंड देन फेस पाउडर और उसके बाद ही मस्कारा और मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाता है. मतलब मैं कोई लाइनर नहीं लगाती, कोई ऐसा कुछ नहीं करती और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मस्कारा. तो आप देख सकते हो ये कमाल है इस मस्कारे का. सो यार दिस इज रिकमेंडेड फॉर यू गाइस. अगर आपने लेना है तो ये वाला लीजिएगा, आप ये भी ले सकते हो. लेकिन ये इससे मैं आपको बताया था एक खामी कि इसकी जब आप ऐसे करेंगे कि हल्का सा पानी लगेगा तो आईलैशेस जुड़ जाएंगी, तो ये हमें नहीं चाहिए. तो आप लोगों की मर्जी है, बाकी ये मुझे बहुत अच्छा लगा. सो या गाइस उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और ये थी मेरी आज की वीडियो. दोबारा मिलेंगे एक नई सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.